ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। जैसे योगी जी ने जो बयान दिया है अलवर के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान जी वंचित हैं, हनुमान जी आदिवासी हैं, हनुमान जी दलित हैं, तो ये सरासर गलत है। हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं, उनके प्रति सब लोगों का सम्मान है, करोड़ों लोगों की भावना उनसे जुड़ी हुई हैं, और उनका एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस प्रकार का बयान देना सरासर गलत है। इस मामले में हमने उनको नोटिस दिया है सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से, और उनसे कहा है कि 3 दिन में या तो माफ़ी मांगें कि हनुमान जी के बारे में इस प्रकार का अपमान हम नहीं सहेंगे। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान जी का अपमान राजस्थान नहीं सहन कर सकता। जिस प्रकार से उन्होंने भाषा बोली है, वो तो हमारे आराध्य देव हैं, उनके प्रति उनको सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उनको वंचित कह रहे हैं, जिनसे हम लोग मांगने जाते हैं। विशेषकर सबसे बड़ी बात, कई लोग तो अन्य जल तक ग्रहण नहीं करते जब तक कि हनुमान जी के मंदिर में नहीं चले जाते। तो ऐसे ही भगवान के प्रति जो एक जातिगत रूप से उनको सामने लाने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनको नोटिस दिया है। तो कब तक जवाब मांगा? हमने 3 दिन में उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। अगर उनके बैठ जाएगा दिमाग में और माफ़ी मांग लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे।